अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मारिया खान फ्रॉम amanat.com। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की जो वीडियो है ये मेरी बाकी वीडियो से थोड़ी सी डिफरेंट है, और उसकी वजह है मैं आपको ये बताती चलूँ। आजकल जिस तरह से हमारी पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी है और जिस तरीके से बिजनेसेस की सिचुएशन है, जो भी सब कुछ चल रहा है, मैं जानती हूँ आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इस बात से अवेयर हैं। बहुत से प्रोजेक्ट्स मार्केट में इस टाइम पर ऐसे हैं जो अपनी डेवलपमेंट रोक चुके हैं, और उन्होंने अपनी डेवलपमेंट क्यों रोकी है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इस टाइम पर सीमेंट, सरिया, वो तमाम चीज़ें डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं, उनकी प्राइसेस चेंज हुई हैं, ऊपर गई हैं, कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस ऐड हुए हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिससे इस टाइम पर डेवलपर्स को जो है इश्यूज फेस करने को मिल रहे हैं, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से बहुत से कुछ ऐसे भी डेवलपर्स हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी फॉर द टाइम बींग अपनी कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट रोकनी पड़ी है। लेकिन इस टाइम पर कुछ ऐसे भी डेवलपर्स हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं, और मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ शेयर करने वाली हूँ ये बेसिकली एक सीक्रेट कह लीजिए, बिजनेस की एक सीक्रेट ही है। और वो इस तरह से है कि बहुत सारे डेवलपर्स जो कि स्मार्ट डेवलपर्स हैं, पहले से डेवलपमेंट कर रहे हैं, जब उन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जब वो डेवलपमेंट का काम स्टार्ट करते हैं जिस कंपनी से, जिससे भी वो अपनी डेवलपमेंट की चीज़ें ले रहे होते हैं, लेट्स सपोज सरिया, सीमेंट हो गया, लकड़ी हो गई, जिस तरह जितनी भी तमाम अशिया जिनकी ज़रूरत होती है डेवलपमेंट के लिए, वो एक स्पेसिफिक रेट के ऊपर लेते हैं उसी टाइम पर। और उनका एक मुआहदा होता है कि जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाएगा हम इसी रेट पर ही खरीदते रहेंगे, इसी रेट पर ही हमें आप लोग प्रोवाइड करेंगे, चाहे कि जो भी ओरिजिनल रेट्स ऊपर भी चले जाएं, लेकिन ये एक उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। और बहुत सी कंपनीज हैं जो इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स इस टाइम पर मौजूद हैं जो कि आई विटनेस फॉर दैट, और मैं आप लोगों के साथ उसकी डिटेल्स शेयर करूँगी। उनके ऊपर अभी तक डेवलपमेंट का काम रुका नहीं है, उनके ऊपर डेवलपमेंट का काम जारी है, ठीक है। और आप उन प्रोजेक्ट्स में बगैर डरे, बगैर बिला किसी झिझक के उसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इवन कि अगर आपका बजट कम है, एज लो एज 15-20 लाख, ठीक है। आप लोगों को पर मंथ उसके ऊपर आरओआई भी मिलेगा। आरओआई इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट पर मंथ जो आप लोगों को मिलेगा। आपको ये भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम नहीं हो रहा या वो डेवलप नहीं हो रहा, ये ना हो कि आप जो है हराम प्रॉफिट कमा रहे हो, इस तरह का कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करते हैं, स्पेसिफिकली मैं। और अगर कहीं भी किसी प्रोजेक्ट में इस किस्म के इशूज़ मुझे लगा गए हैं, वो मैं कभी भी आप लोगों तक लेकर ही नहीं आती, ना मैं कभी लेकर आऊँगी, क्योंकि मेरे लिए जो है मेरा काम जो है इटसेल्फ एक इबादत की तरह है। एक और चीज़ जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना, वो ये है कि उन डेवलपर्स का होना लाजमी है अगर आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जो ऑलरेडी पहले से कुछ प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कर चुके हों, उनका कोई वर्क बैकग्राउंड हो, उन्होंने कुछ करके दिखाया हो आप लोगों को। और जब भी कोई क्लाइंट गलत इन्वेस्टमेंट करता है, मैं समझती हूँ कि जो इंसान आपको गलत गाइड कर रहा है उसकी गलती तो है ही है, लेकिन उस साथ आप लोगों की भी गलती है क्योंकि आप लोग प्रॉपर रिसर्च नहीं करते हैं। जब आपको किसी चीज़ से के लिए कहा जाता है तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग प्रॉपरली रिसर्च करें। और मैं जिन प्रोजेक्ट्स को लेकर आप लोगों के लिए आई हूँ, आई विल गिव यू एन ओपन इनविटेशन कि आप लोग खुद भी रिसर्च उस बारे में कर सकते हैं। इस टाइम पर जो है मेरे पास कुछ कमर्शियल रेजिडेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप लोगों के लिए, जिसके ऊपर ना कोई सिर्फ आप लोगों को 2 से 3 साल बल्कि 1.5 साल के अंदर अंदर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें आपको कमर्शियल की जो है पोजीशन मिल जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ रेजिडेंशियल हैं, आप लोगों को ना कि अपने सिर्फ अपार्टमेंट्स, पेंट हाउसेज वगैरह मिल जाएंगे 2 से 3 साल के अर्से में मैक्सिमम, बल्कि उसके अलावा ये कि आप लोग उस टाइम पर जाकर साइट लोकेशन पर जाकर क्या काम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, ग्रेस स्ट्रक्चर्स कंप्लीटेड है, क्या हो रहा है, उनका NOC का स्टेटस है, अप्रूव्ड है, नहीं है, लीगल है, वो तमाम की तमाम चीज़ें आप लोग वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग अपने लिए कोई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक अच्छी सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि ये जो नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा है मुझसे आज ही कॉन्टैक्ट कीजिए, सो दैट आई कैन गाइड यू फर्दर ऑन हाउ टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट दैट इज गुड फॉर यू। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। amanat.com, पाकिस्तान फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल, मशवरा अमानत है।